देखिए, चौथी बार नामांकन। आज हमने हमारी पार्टी के निर्देशानुसार नामांकन पत्र दाखिल किया है और जैसा आपने पूछा कि इस चुनाव में, तो 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे। इस चुनाव में मुद्दे रहेंगे कि हम भारत को विकसित भारत कैसे बनाएं, सुशासन को और तेज गति से कैसे लाएं, विकास की गति को हम कैसे बढ़ाएं, यही हमारे मुद्दे रहेंगे और इसमें सब सम्मिलित हो जाते हैं। डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, ये हमारे दो ऐसे पिलर रहेंगे जिसके आधार पर हमारा पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। इस दिशा में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। गोविंद मेघवाल ने भी आपके साथ नामांकन दाखिल किया, हाथ भी मिलाया, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की बात करते रहते हैं। देखिए, नामांकन दाखिल करने के लिए तो सभी दल आएंगे ना, और भी दल आएंगे, निर्दलीय भी आएंगे, यही तो लोकतंत्र है। कौन सा बड़ा मुद्दा है जिस पर आप वोट मांग रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं आप? विकास और सुशासन, यही हमारे मुद्दे हैं जिनको हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। बाकी विकास और सुशासन में विकसित बीकानेर भी हमारा एक मुद्दा रहेगा। कुछ भाजपा नेता शामिल हो रहे हैं, शशि शर्मा, जो कांग्रेस नेता थे जो आपके आ रहे हैं, कुछ ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के जो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, पार्टी की एक नीति और रीति है, उस प्रक्रिया के तहत पार्टी लोग ज्वाइन करते हैं और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि ये जो भी ज्वाइन कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को से प्रभावित होकर के ज्वाइन। कितना आसान मिलता है जीत का चौका लगाने के लिए? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव और चुनाव के बाद जीत, जो मैं घूम रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में या कस्बों में, उसके आधार पर अभी प्रारंभिक आंकलन है कि बीकानेर की जनता बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है इस बार।